जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है ना अभी एकदम क्रूशियल जोन पे जाकर ठहरा हुआ है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये अब डिसाइड होने वाला है कल से जब मार्केट ओपन होगा मंडे से तब। इसलिए आज इसके बारे में बताऊंगा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है, आप नया लेने को इसमें एंट्री लेने को सोच रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी एक्सेल रियलिटी कंपनी जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए कैसी है इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से होगी। काम, फंडामेंटल, टेक्निकल, हर एक चीज़ को इसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के काम से, क्योंकि काम के बिहार पर पता लगता है कि लंबी अवधि के जो निवेशक हैं या जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं उनको भी ये बात पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में पैसा लगाए हैं या लगाने जा रहे हैं वो कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, कंपनी मल्टीपल बिजनेसों में पूरी हुई है। इसके नाम में जैसे इंफ्रा लिमिटेड लगा है, तो इंफ्रा लिमिटेड से एक बात तो स्पष्ट है कि जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी किस चीज़ के लिए? देखिए, बिल्डिंग वगैरह बनना, पुल वगैरह बनना, इन चीज़ों के लिए, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार रियल एस्टेट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रोवाइड कराती है। और इसके अलावा देखेंगे तो ये IT इनेबल्ड सुविधा भी कंपनी देती है। IT के सेक्टर में भी कंपनी जुड़ी हुई है, IT से जुड़ी हुई चीज़ों को बनाती है। और सबसे मेन चीज़, ये जो कंपनी है BPO सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। BPO सर्विस करने का मतलब हुआ कि जो कॉल सेंटर आप देखते हैं उसको BPO इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये जो कंपनी है BPO की सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि मल्टीपल बिजनेसों में खुदी हुई है। और जब कोई कंपनी मल्टीपल बिजनेसों में खुदी होती है तो उसका फायदा ये होता है कि कोई एक चीज़ यदि डाउन भी चलता है तो दूसरा चीज़ उसका अच्छा तरीके से कमाई करके दे देता है, तो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में होती है। तो इसका इम्पैक्ट भी लंबी अवधि में इस कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ेगा। चलिए अब तो हम लोग काम समझ गए, फंडामेंटल को थोड़ा सा समझें। तो मार्केट का देखेंगे तकरीबन 56 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि एक छोटी कंपनी है। इसलिए यहाँ पे स्टॉक का PE ना 12-10 मान्यता जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उनका PE स्कीमर की वेबसाइट पर नहीं दिखता है। फिर कोई बात नहीं, हम लोग चार्ट पर देखेंगे जहाँ पे हमें इसमें एंट्री लेना है। शेयर प्राइस देखेंगे 40 पैसा के आसपास है शेयर प्राइस देखिए इस सप्ताह में। और आपको ऐसे ही पता है कि मार्केट में बुल रन चल रहा है और जब तक चुनाव रहेगा मार्केट में रैली रहेगी। इसलिए यदि अभी सही समय पर आप सही स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं कम प्राइस पे, तो आने वाले समय में आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस कम है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंपनी का धीरे धीरे जब विकास होगा तो शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC दोनों माइनस में, तो ये एक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन उतना चिंता की बात नहीं, समय के साथ ये भी बेहतर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और फंडामेंटल को डिस्कस किया, आप चलिए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि चार्ट कंपनी का क्या बोल रहा है। तो अभी हम कंपनी के एक साल के चार्ट पर आ गए हैं, और एक साल के चार्ट पर जैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं, तो देखिए अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है यहाँ पे तकरीबन 40 पैसा के आसपास, और ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल है 40 पैसा का। और ये देखिए एकदम इसी पे कंपनी का शेयर प्राइस ठहरा हुआ। अब या तो प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा या प्राइस यहाँ से नीचे निकलेगा। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, ऊपर ही जाने के इसके ज़्यादा चांस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मल्टीपल बार आप जब देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से देखिए काफ़ी समय से स्टॉक का प्राइस इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर ठहरा हुआ है। यहाँ से कई बार नीचे भी आया है, लेकिन फिर यहीं से देखेंगे तो ऊपर भी गया है। तो इस बार अपने सपोर्ट लेवल के पास ठहरा हुआ है, तो इस बार इसके नीचे आने की वजह कम है और यहाँ से फिर प्राइस को ऊपर जाने की वजह ज़्यादा है। खैर, नीचे आता भी है तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, 35 पैसा के लेवल तक आएगा, और 35 पैसा के लेवल तक आने के बाद फिर प्राइस निकलेगा 45 पैसा तक जाएगा। लेकिन हमें एज ए इन्वेस्टर इसमें क्या सोचना है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी से जल्दी ये जो लेवल है 45 पैसा से लेकर 40 पैसा इसको ब्रेक करके शेयर प्राइस ऊपर निकले, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि जो पहले इसका नीचे के में कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे जहाँ इस कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा था उससे एक स्टेप ऊपर आ गया है और इस रेंज में इसका प्राइस घूमते हुए नजर आ रहा है। और आप यकीन मानिए, जिस तरीके से इस कंपनी का फंडामेंटल बेहतर हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उस तरीके से उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि इस लेवल से जल्दी स्टॉक का प्राइस ऊपर निकलेगा और इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगा। और आपको जल्दी कम से कम शॉर्ट टर्म 55 पैसा तक ये स्टॉक का प्राइस जाते हुए आपको दिख सकता है। तो आपको नियर बाय में 55 पैसा तक जाने के लिए रेडी रहना चाहिए। और जैसे ही प्राइस इस रेंज को ब्रेक करेगा, आप यकीन मानिए एक झटके में कह सकते हैं प्राइस 55 पैसा तक आपको जाते हुए दिखेगा। तो चार्ट के माध्यम से तो ये बात कन्फर्म है कि स्टॉक में बुलंदी आने के लिए रेडी है, स्टॉक इसमें बुलंदी आके रहेगी। तो इसमें एक लंबा ब्रेकआउट होने वाला है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख पाएंगे कि जो कंपनी का सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर में यहाँ पे देखेंगे बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है। सेल्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट भी देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है। यानी कि इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा वह भी इसके मुकाबले और बेहतर रहेगा, वो भी बढ़ते हुए दिखेगा आपको। जाहिर सी बात है, जब कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, तो इसके फंडामेंटल में
ग्रोथ के साथ साथ टेक्निकल में भी ग्रोथ होगा, चार्ट ऊपर ही जाएगा, चार्ट ऊपर जाएगा मतलब कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, और आसान भाषा में जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी फ्यूचर के लिए एक बेहतर स्टॉक हो सकता है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, और यदि इन्वेस्टमेंट है तो लंबी अवधि के निवेशक बनने के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ एक्सेल रियलिटी के बारे में जो जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है शंका है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप उसको और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।